अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राहत सरफराज और आप देख रहे हैं रहबर ट्रेनिंग सर्विसेज। एक और नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मैस लूज मेथड है ISO 12947-3 मार्टन डेल मेथड। एज पर टेस्ट डिस्क्रिप्शन हमने फैब्रिक लेना है जो कि कम से कम 18 घंटे कंडीशन किया हो, और इसके साथ ही हमारा जो वूल एब्रेडेंट है वो भी 18 घंटे कंडीशन किया हुआ हो। वूल एब्रेडेंट कटर है 140 mm डाया का, स्पेसिमेन कटर है 38 mm डाया का। हमने वूल एब्रेडेंट को काट लेना है 140 mm डाया। सेल्वी से कम अज़ कम 100 mm छोड़ कर हमने स्पेसिमेन काटना है 38 mm। तो हमने इसको बैग पर मार्किंग कर लेनी है क्योंकि हमारा फेस और बैग इसमें तकरीबन सेम ही नज़र आता है। ये हमारी 9 हेड मार्टिनडेल मशीन है, एक्सेसरीज हैं इसकी। ये हमारा 9 KPa का प्रेशर वेट है, इसका 595 ग्राम वेट होता है, प्लस माइनस 7 ग्राम है। ये फैशन वेयर के लिए यूज़ होता है। 12 KPa का वेट है ये, इसका वेट तकरीबन 795 प्लस माइनस 7 ग्राम होता है। हमने पहले बिफोर वेट इसका कर लेना है, स्पेसिमेन का बिफोर वेट करने के बाद हमने इसको अपनी लॉग बुक में नोट कर लेना है। इसके बाद ये हमारा स्पेसिमेन होल्डर है, 38 mm का इसका होल होता है। स्पेसिमेन होल्डर में हमने स्पेसिमेन को फेस साइड एक्सपोज करते हुए लगाना है। उसके ऊपर बैकिंग फोम लगाएंगे। बैकिंग फोम की थिकनेस 3 mm होती है। बैकिंग फोम जो है वो जिस फैब्रिक का GSM 500 से कम होगा उसमें लगाई जाती है। ये सपोर्ट के लिए होती है। जिस फैब्रिक का GSM 500 से ज़्यादा होगा उसमें हमें बैकिंग फोम लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मशीन की सेटिंग करेंगे हम। सबसे पहले रिंग को खोलेंगे जहाँ पे हमने स्पेसिमेन चलाना है। ये वूल फेल्ट है, इसका GSM 750 ग्राम होता है, थिकनेस 2.5 mm होती है। वूल फेल्ट जो है तकरीबन 5 लाख साइकिल एक साइड चलाने के बाद चेंज करते हैं, और दूसरी साइड भी 5 लाख साइकिल चलाते हैं। टोटल 10 लाख साइकिल चलाने के बाद ये हम वूल फेल्ट चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो हमारी ये एब्रेडेंट मशीन के जो एब्रेडेंट टेबल है उस पे वूल फेल्ट रखेंगे, उसके ऊपर वूल एब्रेडेंट रखेंगे। फिर जो है वेट है ये 2.5 ± 0.5 kg होता है, और 120 mm इसका डाया होता है। उसके बाद रिंग के ज़रिए इसको अच्छी तरह टाइट कर देंगे। इसके बाद हम स्पेसिमेन होल्डर अपना रखेंगे, और क्योंकि हमारा ये वर्क वेयर फैब्रिक है तो हम 12 KPa प्रेशर वेट यूज़ करेंगे। तो ये टोटल वेट मैंने पहले बताया था, ये 795 ग्राम बन जाता है। जिस स्टेशन पे हमने स्पेसिमेन चलाना है उस स्टेशन को अनहोल्ड रखेंगे और बाकी स्टेशंस को हम होल्ड कर देंगे। इसके बाद हम टेस्ट के मुताबिक इंटरवल जो हैं हमें मेथड में बताए हुए हैं उनके मुताबिक फीडिंग देंगे और इसको मशीन को चला देंगे। तो ये हमारे टेस्ट इंटरवल्स हैं, इसके मुताबिक हम मशीन को फीडिंग देते रहेंगे और चलाते रहेंगे। और ये इसलिए कि हम चेक करते रहे इन इंटरवल पर कि हमारा कोई थ्रेड ब्रेक तो नहीं हुआ। ये जो टेस्ट के लिए हम वूल एब्रेडेंट यूज़ करते हैं उसकी एक साइड 25,000 साइकिल यूज़ करेंगे और दूसरी साइड भी 25,000 साइकिल यूज़ करेंगे। अगर हमने एक स्पेसिमेन 50,000 साइकिल प्लस चलाना है तो टोटल 50,000 साइकिल के बाद ये हमने वूल एब्रेडेंट चेंज कर लेना है। तो अगर नया स्पेसिमेन चलाना है तो हर नए टेस्ट के साथ हम वूल एब्रेडेंट नया लगाएंगे। जैसे ही हमारे जो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे हम अपना स्पेसिमेन रिमूव करेंगे और उसके बाद उसका वेट करेंगे। फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो हम
अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद हमारे चैनल को बेहतर बनाने के लिए अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।